फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरजी यूफोरिया प्रोजेक्ट पे, क्योंकि रेडी टू मूव की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में और एवरीबडी जो भी इस समय का एंड यूज़र है वो चाह रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ना जाना पड़े या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जाना पड़े। और एक लेटेस्ट ट्रेंड जो लखनऊ मार्केट में मैं एक देख रहा हूँ या जो फील कर रहा हूँ लखनऊ या नियर बाय छोटे टाउन्स में, वो ये है कि जो मैक्सिमम वर्कफोर्स बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, बेसिकली जो आईटी कंपनीज में मैक्सिमम वर्कफोर्स काम करती थी, उन लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया। किसी कंपनी ने 5 साल के लिए बोल दिया, किसी कंपनी ने 3 साल, किसी कंपनी ने 1 साल। तो बहुत सारे लोग जो पुणे बैंगलोर एरिया में काम करते थे वो इस समय लखनऊ मार्केट में, लखनऊ या आसपास यहीं के रहने वाले थे और बाहर जाके काम करते थे, दोबारा यहाँ आ गए हैं। घर में काम करना पड़ रहा है तो सब लोगों के मन में या बहुत लोगों के मन में ये थॉट्स आ रहे हैं कि क्यों ना पुणे में लेने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि अब बहुत चीज़ें पैंडमिक के बाद चेंज हो गई हैं, तो यहीं होम टाउन में लेते हैं क्योंकि सेटल तो हमको एट लास्ट यहीं आके होना है। तब तक के लिए रेंटल पे चढ़ा देंगे, टाइमिंग अगले 1-2 साल हम खुद यूज़ कर लेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी, क्योंकि पुणे के रेट्स या बैंगलोर के रेट्स से लखनऊ के रेट्स में अभी भी अंतर है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जो स्टील का रेट वहाँ के पुणे के बिल्डर को मिलता होगा वही स्टील का रेट लखनऊ के बिल्डर को मिलता है। एंड लखनऊ बहुत, 2-4 लोगों से जब मेरी बात हुई तो इस बारे में, अभी मैं टॉपिक से थोड़ा डेविएट हो रहा हूँ, 2-4 लोगों के फ़ोन आए, उन्होंने बोला कि यार हम तो पुणे से आए हैं, बैंगलोर से आए हैं, लग रहा है कि मार्केट लखनऊ की पुणे से भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो डेफिनेटली है, रियल इस्टेट टर्म्स में नौकरियाँ डेफिनेटली ज़्यादा हैं पुणे में, कॉरपोरेट सेक्टर बहुत है, आईटी बेस्ड जॉब बहुत है, लेकिन लखनऊ में क्या है, लखनऊ इज द एपी सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश, बड़े सारा बड़ा पॉलिटिक्स, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स, बड़े बिजनेसमैन, सबका एपी सेंटर यूपी में लखनऊ है, सारे बड़े हॉस्पिटल्स, और इस समय जो एक्सप्रेसवे और जो रोड कनेक्टिविटी मिल रही है लखनऊ को बाकी बी टाउन्स जो लाइक फैजाबाद, अयोध्या, आपका गोरखपुर, रायबरेली, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, तो बहुत ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट लखनऊ में इसलिए भी है और लैंड कॉस्ट बहुत हाई भी इसलिए भी है कि चाहे आप फैजाबाद में हो, चाहे आप सुल्तानपुर में हो, चाहे आप आजमगढ़ में हो, चाहे आप रायबरेली में हो, चाहे आप कानपुर में हो, चाहे आप बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर, ये सारे जो बेल्ट्स हैं, इन सबको कहाँ सेटल होना है, फाइनली लखनऊ में आना है। इनका, इन सबको एक एक ना एक घर या एक अपना सेटअप लखनऊ में डालना है। सारे बड़े एजुकेशन के स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो भी सब लखनऊ में है। इसके अलावा अगर फ्लाइट पकड़नी है तो लखनऊ, जब से लखनऊ एयरपोर्ट अडानी के अंडर चला गया, बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे भी। फ्लाइट कनेक्टिविटी लखनऊ से बहुत स्ट्रांग है, रेल कनेक्टिविटी लखनऊ से बहुत स्ट्रांग है, और रोड कनेक्टिविटी तो पिछले 5 सालों में बहुत चेंजेस आए हैं और इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स और बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, जैसे पूर्वांचल बलिया एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, ऐसे करके 2-4 और पाइपलाइन हैं प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से लखनऊ को बहुत मेजर एडवांटेज मिलना है। बेसिकली जो कहना मैं चाह रहा हूँ वो ये है कि बैंगलोर पुणे को अगर आप लखनऊ से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली सिर्फ जॉब्स पार्ट पे और यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पे, ये दो पार्ट पे अभी गवर्नमेंट को काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर इन दोनों पार्ट पे को हटा दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि लखनऊ का मार्केट बिल्कुल पुणे से लखनऊ में आए या बैंगलोर से लखनऊ में आए तो ऐसे लगा कि कहाँ किसी एक छोटे शहर में आ गए हैं, यहाँ तो रोड्स नहीं है, यहाँ तो बिजली कट जाती है 8-8, 10-10 घंटे, यहाँ तो वाटर की सप्लाई, पानी की सप्लाई नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं है। मेट्रो सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लखनऊ सिटी। कोरिया में 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के ऑप्शंस हैं। बन के पूरी बिल्डिंग रेडी है, 50-60% ऑक्यूपेंसी आ चुकी है, लोग रह रहे हैं। प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज बैंक दोनों से ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। अगर मैं साइज की बात करूं तो 2 BHK 1250 स्क्वायर फुट, 3 BHK आपका 1550 से 1800 स्क्वायर फुट, और 4 BHK 2050 स्क्वायर फुट की रेंज में, इसके साइज में ये प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट प्रोडक्ट मिक्स है। अब इसमें जो कॉस्टिंग की मैं बात करूं तो 2 BHK लगभग 54-55 लाख रुपीस की रेंज में, 3 BHK 75 से 88-89 लाख रुपीस की रेंज में,
और 4 BHK अप्रोक्सीमेटली 1 CR की रेंज में, 98 1 CR की रेंज में ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट आता है, 1 CR से 1.5 CR की रेंज में 4 BHK का कॉस्ट आता है। अब इस प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स को अगर समझें, सबसे बड़ा रेडी टू मूव है, बैंक अप्रूव्ड है, LDA अप्रूव्ड है, लोन मिल रहे हैं और फैमिलीज ऑलरेडी रह रही है। जिन लोगों को अभी लेके अगले 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में शिफ्ट होना है, वो आराम से इसमें शिफ्ट हो सकते हैं और उनको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि अभी हम इस पूरी बिल्डिंग में 3 ही लोग रहते हैं, बिल्डिंग में अच्छी खासी पॉपुलेशन ऑलरेडी आ चुकी है। दूसरा, ये प्रोजेक्ट जो है ये वृंदावन योजना सेक्टर 12 में है। अब अगर इस लोकेशन एडवांटेज की बात करें तो वृंदावन योजना में आपको बहुत चौड़ी सड़कें मिलने वाली हैं, आवास विकास, सॉरी जहां भी मैंने LDA बोला ये आवास विकास में आता है, ये आवास विकास अप्रूव्ड है, नॉट LDA, क्योंकि वृंदावन योजना जो एरिया है वो आवास विकास के जोन में आता है, इसलिए वहां पे जो अप्रूवल है वो आवास विकास का चलेगा। तो ये प्रोजेक्ट आवास विकास से अप्रूव्ड है। और अब लोकेशन पे अगर मैं बात करूं तो वृंदावन योजना में आपको बहुत चौड़ी अच्छी प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, रोड्स बहुत चौड़ी हैं, जितना पॉपुलेशन उस एरिया में आना है उस पॉपुलेशन के हिसाब से ये सोच के प्लान किया गया है कि उसमें कंजेशन ना हो, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। आपको वहां पे कमर्शियल मार्केट मिल जाएगा, LPS स्कूल LDCO सौभाग्यम के बिल्कुल पास में है, तो जो क्योंकि ये प्रोजेक्ट सेक्टर 12 वृंदावन योजना में है, यहां से LPS स्कूल का डिस्टेंस हार्डली 1.5 किलोमीटर होगा, शहीद पथ का डिस्टेंस हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर होगा, आपका स्पेंसर्स ऑलमोस्ट 700 से 800 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। और तीसरा लोकेशन का एडवांटेज, इस प्रोजेक्ट के ठीक पीछे एक लैंड पैच है जो फिनिक्स पलासियो मॉल है, वो फिनिक्स कंपनी के पास वो लैंड पार्सल है। PGI हॉस्पिटल या रायबरेली रोड की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, PGI हॉस्पिटल 3.5 से 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा। PGI हॉस्पिटल पहुंचने के लिए जो टाइम ट्रेवल टाइम है वो 5 या 10 मिनट का ड्राइव टाइम लगेगा, एयरपोर्ट का ड्राइव टाइम लगभग 10 to 15 मिनट से भी कम का है। एयरपोर्ट यहाँ से जस्ट आई थिंक 8 किलोमीटर के 7 या 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो वृंदावन योजना में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन वृंदावन योजना का जो मुझे प्रॉब्लम लगता है वो ये है कि सारे बिल्डर्स फिनिक्स पलासियो मॉल या सारे बिल्डर लुलू मॉल इनसे कंपेयर करते हैं, जबकि वृंदावन योजना में बहुत कुछ है बताने के लिए। हम कंपेयर अगर इसको यहीं के जो आसपास के डेवलपमेंट्स है उससे करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, बजाय कि हम गोमती नगर एक्सटेंशन में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसी को यूज करके उसी को ब्रोशर में दिखा के कस्टमर्स को बताएं, तो फिर कोई भी नहीं ये समझ पाएगा कि वृंदावन योजना क्यों बेटर है कंपेयर टू गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7। और जो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इस प्राइस पॉइंट में रेडी टू मूव इन्वेंटरी, जितने बड़े रूम साइज है इसमें 5 से 7 लाख रुपए का डेफिनेट डिफरेंस है गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 के प्रोजेक्ट में और इस प्रोजेक्ट में। रूम साइज बड़े हैं और पांचवी चीज के पूरे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ग्रीनरी, स्विमिंग पूल, क्लब, ये एमिनिटीज जो है वो डेवलप हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि अभी बिल्डिंग बन गई और क्लब हाउस अभी बन रहा हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो या पार्क अब का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं एडवांटेज में लास्ट पॉइंट कवर करूं तो प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने एक कमर्शियल मार्केट डेवलप हो रही है, तो जरूरत का सारा सामान और जो ऐसा सामान जो साल में एक बार दो बार जरूरत होगी वो भी यहीं पे मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे 50 मीटर के रेडियस में आपको वो भी मिल जाएगा। तो ये तो हो गया एडवांटेज। अब यहाँ से कनेक्टिविटी कानपुर रोड के लिए, बिजनौर रोड के लिए, आलमबाग के लिए, गोमती नगर के लिए, एयरपोर्ट के लिए बहुत स्ट्रांग है। हजरतगंज जाना है तो यहाँ से डिस्टेंस हार्डली 11 से 12 किलोमीटर होगा। ओवरऑल एक बहुत सुपर नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, एक नॉर्मल एवरेज प्रोजेक्ट है जिसमें जरूरत की सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा नहीं है, पॉपुलेशन आ चुकी है, लोग रह रहे हैं और एमिनिटीज भी डेवलप हो चुकी हैं। अब अगर निगेटिव की बात करें तो रूम जो है वो तो बहुत बड़े हैं लेकिन बालकनी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ 2 बालकनीज हैं, एक ड्राइंग रूम के साथ, एक किचन के साथ, लेकिन किचन की यूटिलिटी बालकनी भी अच्छे साइज की है, बहुत छोटी नहीं है। सेकेंड, क्योंकि जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, तो ग्रीन एरिया भी डेफिनेटली छोटा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, छोटा ही ग्रीन एरिया मिलेगा। थर्ड, जब आप इस एरिया के आसपास आओगे तो बहुत सारे ऐसे पैचेस हैं जहां पे आपको लगेगा ये लैंड भी खाली है, वो लैंड भी खाली है, थोड़ा खाली खाली सा लगता है, वो इन नियर फ्यूचर 5 साल 7 साल 8 साल में डेवलपमेंट आ जाएगा।
थर्ड जो वृंदावन योजना में प्रॉब्लम है कि आवास विकास ने जब बिल्डर्स को प्लॉट काट के दिए थे तो बहुत बड़े प्लॉट्स नहीं दिए थे, तो कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आएगा रेजिडेंशियल तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो छोटे ही कंपाउंड्स में है जिसमें दो टावर तीन टावर के प्रोजेक्ट्स हैं, 3 एकड़ पे 2.5 एकड़ पे 4 एकड़ पे इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। एक आध दो कंपनीज हैं जिन्होंने बड़े पैचेस ले लिए, लेकिन मैक्सिमम जो यहाँ पर टावर्स हैं वो जैसे द्वारका में अगर आपने देखा हो, अगर दिल्ली में द्वारका की तरफ गए हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे कंपाउंड लाइन से बहुत है, उसी तरीके का फील वृंदावन योजना में आएगा। बिल्कुल सटे सटे प्लॉट्स हैं जिसपे एक बिल्डर काम कर रहा है, दूसरा बिल्डर काम कर रहा है, तीसरा काम कर रहा है, इस तरीके से। एडवांटेज और डिसएडवांटेज में मेरी बात मैंने बात कर ली। प्रोजेक्ट में अगर मुझे बात कर रेटिंग देनी हो तो रेटिंग में 3 out of 5 रेटिंग दूंगा। बाकी 2 स्टार कट करने के पीछे जो रीजन है कि ग्रीनरी, क्योंकि कंपाउंड बहुत बड़ा नहीं है इसलिए ग्रीनरी बहुत ज्यादा नहीं है। सेकेंडली कुछ ऐसी चीजें जिसको फिनिशिंग में बिल्डर ध्यान दे सकते थे, जब हम अंदर गए तो रैंप पे जो कुछ टाइल्स थी वो उखड़ रही थी, बिल्डर ने ध्यान नहीं दिया, या वो प्रेजेंटेबल थोड़ा और इस चीज को हम प्रेजेंटेबल कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए। जो कस्टमर 70 लाख लगा रहा है वो अपार्टमेंट के अंदर भी देखेगा और अपने कंपाउंड को भी देखेगा, तो कंपाउंड की ओवरऑल मेंटेनेंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। सिर्फ यही 2 रीजन से मैं पॉइंट्स काट रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और हर उस ऑडियंस को सूट करेगा जो बड़े कमरे देख रहे हैं, 70 लाख 80 लाख के बजट में जा रहे हैं और रेडी टू मूव ऑप्शंस पे ही उनको जाना है। मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं, मेरा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें। टीम अमन चावला की प्रोफाइल को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करें। अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव में चैनल को शेयर करें सो दैट कि मैक्सिमम लोगों तक ये चैनल की रीच हो पाए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।